ऑल एग्जाम टॉप 10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपकी एग्जाम के लिए, और ये नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। एग्जाम में जो बार बार ये क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट पार्ट कल अपलोड कर दिया गया है और उसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो उसे आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज इसका जो है पार्ट टू है, ठीक है, इसका भी पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, इसको डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है, आपको बताना है किसका जो सुमेल नहीं है, ठीक है। तो बोमडिला, ये सब क्या इधर दिया गया, इधर दर्रा दिया गया, ठीक है, यहाँ पर राज्य दिया गया है। तो बोमडिला दर्रा जो है ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ये तो आपका राइट हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में, ये भी आपका राइट हो जाएगा। पर भोरघाट दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं है। आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है गलत, तो गलत आपका सी है, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, पालघाट दर्रा केरल में, ये आपका राइट हो जाएगा। तो आपको पता रहना चाहिए भोरघाट दर्रा है कहाँ पर, ठीक है, ये आपका जो महाराष्ट्र में है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं महाराष्ट्र, ठीक है, ये कहाँ पर है, भोरघाट जो है महाराष्ट्र में है। और ये हम जो सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो हमें जो उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित करना है, ठीक है, तो हम इसे सुमेलित कर लेते हैं। तो सहजानंद सरस्वती, यहाँ पर सरस्वती होगा, यहाँ पर मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पर सहजानंद सरस्वती होगा, ठीक है। तो सहजानंद सरस्वती का संबंध आपका हो जाएगा बिहार से हो जाएगा, और ये जो खुदाई खिदमतगार का संबंध हो जाएगा NWFPC से हो जाएगा, और ये स्वामी रामानंद का संबंध जो आपका हो जाएगा हैदराबाद से हो जाएगा, ठीक है। और अब्दुल हमीद खां का संबंध जो दक्षिण असम से हो जाएगा, इस तरह आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है, मैचिंग। और ये हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है यहाँ पर, ये जो निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, यहाँ पर क्या पूछा गया, किसका सुमेल जो नहीं है, ठीक है। तो इसे हम पहले देख लेते हैं, आपका जो है एक क्वेश्चन दिया गया, देबू चौधरी का समझो सितार से, ये तो आपका राइट होने वाला है। ये जो अमजद अली खां का समझो सरू से, ये भी आपका राइट होने वाला है। ये जो पन्ना लाल, यहाँ पर पन्ना लाल हो जाएगा, पन्ना लाल घोष का संबंध जो है तबला, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तबला से इनका संबंध नहीं है, इनका संबंध जो किससे है, बांसुरी से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बांसुरी, इनका समझ जो किससे है, पन्ना लाल घोष का बांसुरी से है, ठीक है। और ये आगे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, यहूद मीनू हिन का समझ जो वायलिन से है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा, रॉन्ग पूछा गया है, तो आपका सी आंसर आपका रॉन्ग है, ठीक है। और ये हम फोर क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो हम सूची को पहले मिला लेते हैं, ठीक है। तो कोयले का संबंध जो है, कोयले का संबंध जो तलचर से है, कोयले का खान कहाँ पर, तलचर में है, ठीक है। तामा का खान जो है आपका ये है खेतड़ी में है, ठीक है, खेतड़ी है, तामा का खान क्या, खेतड़ी है। और लौह अयस्क का खान जो है, ये जो है आपका कुंदरमुख जो है लौह अयस्क का केंद्र है, ठीक है। चांदी का जो ये जावर हो जाएगा, और ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और वीडियो अगर जो पसंद आया होगा तो इसे सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा। और ये हम फाइव क्वेश्चन को देखते हैं, आपका दिया गया सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सुमेल कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपका राज्य दिया गया, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दिया गया, तो इसे हमें मिलाना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आपका जो है राजा जी राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, असम में जो आपका मानस राष्ट्रीय पार्क है, और उड़ीसा में जो सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क है, तो इस तरह आपका जो है सही मैचिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका सिक्स क्वेश्चन दिया गया है निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, किसका सुमेल नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं, आपका जो है यहाँ पर दिया गया है डेटे राइट का संबंध जो है डेटे राइट, तो ऑटोमोबाइल से, ये तो आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और मैग्नेटाइट का संबंध जो लोहा तथा इस्पात से, ये भी आपका राइट होने वाला है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, मैग्नेटाइट हो जाएगा, ठीक है। और जॉनसन बाग का संबंध जो है ये जो सोना का खान है, ठीक है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। बर्मिंघम का संबंध जो जलपोत निर्माण से, ये आपका जो गलत हो जाएगा, ठीक है, यही आपका जो है बर्मिंघम का, ये आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा, इसमें रॉन्ग गलत पूछा गया, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका सेवन क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनिए, ठीक है। हमें मिलान करना है कौन सा युद्ध जो कब हुआ था, और ये जो आपका दिया गया पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। तो पानीपत का तृतीय जो है 1761 ईस्वी में होता है, हल्दीघाटी का युद्ध होता है, ये जो है 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध होता है। अब तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में होता है, और असीगढ़ का युद्ध जो होता है ये 1601 ईस्वी में होता है, ठीक है। इस तरह आपका मैचिंग हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आप आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका दिया गया सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सुमेल कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट दिया गया, यहाँ पर सूची सेकंड दिया गया है, तो इसे हमें मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान कर लेते हैं इसका, तो मलेरिया का संबंध जो आपका हो जाएगा रक्त कोशिकाओं से हो जाएगा, ठीक है, मलेरिया का संबंध। अब फाइलेरिया का संबंध आपका हो जाएगा लसिका ग्रंथि से हो जाएगा, और आपका जो है एनफिलाइटिस का संबंध आपका हो जाएगा मस्तिष्क से हो जाएगा, ठीक है, एनफिलाइटिस का संबंध। और ल्यूकेमिया का संबंध जो बोन मैरो से हो जाएगा, यानी कि अस्थि मज्जा से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये आपका राइट जो मिल जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका नौवां क्वेश्चन दिया गया निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, तो किसका सुमेल नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, इसे मैच कर लेते हैं, बान का समय जो राइन नदी से है, ठीक है, सही है आपका। कायरा का समय जो नील नदी से, ये भी आपका राइट होने वाला है। और न्यूयॉर्क का समय जो हडसन नदी से, ये भी आपका राइट होने वाला है। अब बियना का समय जो बोलगा डे नदी से, ये आपका जो रॉन्ग होने वाला था, यही आपका जो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है डेन्यूब से संबंधित है, किससे संबंधित, बियना जो है डेन्यूब से संबंधित है,
डीनियोक्स से संबंधित है, ठीक है। और ये हम 10वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सुमेल कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। यहाँ पर सूची फर्स्ट दिया गया, यहाँ पर सूची सेकंड दिया गया, ठीक है। तो ये जो है मैंगनीज का संबंध आपको बताना है ये किससे है, ठीक है। तो मैंगनीज जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है, और एस्बेस्टस का संबंध जो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और निकेल का संबंध आपका हो जाएगा उड़ीसा से हो जाएगा, और जस्ता का संबंध जो राजस्थान से हो जाएगा। इस तरह से आपका जो राइट मैचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 10 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ ये आप कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करेगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। ऐसा पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं सारा क्वेश्चन।